इसमें से इतनी अच्छी खुशबू तिल की आने लग गई है। जो शेप आप इसकी देना चाहें आप दे सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस रजा और आप देख रहे हैं मनो सलवा फूड। आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू। सर्दी के मौसम में इसे बहुत खाया जाता है, फायदेमंद चीज है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। ये मसाने की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जो बच्चे रात को सोते हुए पेशाब कर देते हैं उन्हें ये तिल के लड्डू खिलाया जाए तो ये उनके लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। इसको बनाने के लिए हमने एक पाव तिल ले लिए और इसे हम कढ़ाई में भून लेंगे। हल्की हल्की आंच में इसे भून लेंगे और इसका हल्का सा इसका कलर बस चेंज हो। अभी ये हमारे तिल होने वाले हैं, इसको भूनने का ये फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे तिल क्रिस्पी होंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये हो चुके हैं, अब इसे हम उतार लेंगे। कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे रख देंगे। एक चम्मच घी डालेंगे इसमें, गरम हो चुका है। पाव गुड़ ले लिए थे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। बस थोड़ा सा पानी चाहिए था, अब इसमें ये मेल्ट हो जाएगा। अब इसे मेल्ट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखें माशाल्लाह हमारा जिस तरह हमें गुड़ चाहिए था उसी तरह होने वाला है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें सफ़ेद सफ़ेद ये जो बबल्स आ रहे हैं ये समझ लें ये अब तकरीबन तैयार होने वाला है। बस इसे अब थोड़ा सा हम और पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह हमें जितना थिक चाहिए था ये उस हालत में पहुंच गया। अब इसके अंदर हम तिल डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरीके से ये मिक्स भी हो चुका है। अब इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये पानी ले लिया और ठंडा पानी है, ये ऑयल भी आप ले सकते हैं। इसको आप उठाएंगे, ऐसे इसे गोल गोल बनाते रहेंगे और इसे हम यहाँ रख देंगे। और ये गर्म हो रहे हैं तो बड़े एहतियात के साथ इसके लड्डू बनाइएगा और अगर ये सख्त होने लगे तो आप इसको दोबारा हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दें। ठंडा पानी रखिएगा साइड में, उस पर हाथ डिप कर करके बनाते थे। बड़े बनाना चाहें बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहें छोटे बना लें, जैसा आपका दिल चाहे। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे तिल के लड्डू बनके बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। और आसान तरीका यही है कि जब इसको मिक्स कर लें तो कढ़ाई में से सारा उतार लें क्योंकि उसमें चिपकता रहेगा और सख्त होता रहेगा। कढ़ाई में से सारा उतर जाएगा तो फिर उसके बाद बाहर आप लड्डू बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी के साथ बन जाएंगे। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।